सो मैंने भी देखा भाई काफ़ी जगह पर, आई जस्ट चेक विद, मैं एक्चुअली बीन टू एम्स, राइट तो दे सेड कि इट्स वेरी रेयर कि आप यंग एज में आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है. इज राइट इट रियर कि एक्चुअली ऐसा है कि आप ओल्ड एज में ही लोगों को मिलता है ब्रेन स्ट्रोक, या फिर यंग एज में भी हो सकता है? तो या क्या मतलब ऐसा किस सो एज में दिस इज़ होता है? अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. आपको राइट अभी सच बताऊं तो हमारे हॉस्पिटल्स में अभी जो लेटेस्ट हमने जो स्ट्रोक के पेशेंट्स देखते हैं, जैसे आपने खुद को ही देखा राइट है, राइट आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड 50%, 40-50% जो मरीज है वो बिलो 40 ईयर्स के हैं जिनको स्ट्रोक हो रहा है. राइट क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हुआ है. पहले से हम राइट लोग सेडेंट्री लाइफ, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, ओबेसिटीज बढ़ गया है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया राइट है. सो ये सारा प्रॉबेबली इसके वजह से हमें स्ट्रोक की लक्षण यंग एज में आ रहा है. जैसे राइट हम पहले जो ज़माने में सोचते थे, लाइक अराउंड 20-30 ईयर्स बैक, किसी को स्ट्रोक हुआ है इसका मतलब सोचते थे कि काफ़ी बुजुर्ग होंगे, शायद राइट उनको स्ट्रोक हो गया, पैरालिटिक है. तो कभी भी राइट हम यंग में सोचते ही नहीं थे. राइट आप करेक्ट खुद के बारे में सोचो, आप तो ट्वेंटी राइट सिक्स ट्वेंटी आर सच ए यंग वंडरफुल गाय. राइट सो ही हैड ए स्ट्रोक, यू कैन बिलीव दैट ही सो लकी ही केम इन टाइम. आप सोचो, इनको इतना हेल्दी आदमी होने के बावजूद भी उनको स्ट्रोक हुआ है. तो स्ट्रोक किसी को भी कोई भी एज में हो सकता है, इवन यंग एज में आजकल ज़्यादा हो रहा है. सो दैट राइट हैज़ टू बी टेकन केयर एक्चुअली. बिकॉज यंग एज में तो रिकवरी हो सकती है, यस लेकिन ओल्ड एज में उतना ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है उसके लिए. हाँ, राइट थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है इसे. राइट एंड एट द सेम टाइम आपको सोशल बर्डन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. आप सोचो किसी का घर में यंग एक बंदे को जिसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, फैमिली राइट काफ़ी होप है, सब कुछ उसके ऊपर किया हुआ है, या न्यूली मैरिड है या फैमिली बना हुआ है, और सडनली इस तरह हो जाता है और बेड बाउंड राइट हो जाता है, तो दैट इज़ अ वेरी कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट विच कैन हैपन. एब्सोल्युटली राइट राइट ओके. तो सर दो चीज़ें मेरे भी, एक्चुअली मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स वगैरह थे, मतलब मैं देख सकता हूँ मेरे लगभग 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे हु हैड ब्रेन स्ट्रोक. एक वन ऑफ एक फ्रेंड कहो कहो, या फिर आप उनको स्टूडेंट की तरह बात करें, तो शी हैड ब्रेन स्ट्रोक और उनको लगभग मतलब काफ़ी दिनों तक उसको पता ही नहीं चला कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ. राइट उसको काफ़ी दिनों के बाद जब डॉक्टर्स वहाँ पर जाए थे, नॉर्मल टेस्ट डॉक्टर से किया बात कर और रहे ये थे, उनको तो पता ही चल रहा था कि ब्रेन स्ट्रोक है. सब. बाद में उनको पता चला कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, काफ़ी बाद में भी. राइट राइट सर मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता था सर. न्यूरॉन्स जो है, राइट न्यूरॉन्स हमें समझ आता है, हमें एक IT पर्सन, राइट आई हम लोग वहाँ पर एक न्यूरॉन वहाँ पर अलग होता है, और एक जो न्यूरॉन हम लोग यहाँ से बात करते हैं एज ए राइट टीचर डॉक्टर्स, फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ राइट तो हम व्यू. लोग एक तरीके से हम लोग IT में भी उसका उसी को न्यूरॉन्स को ही यूज़ करते हैं. बट एक्चुअल में न्यूरॉन्स होते क्या है, और जब हम लोग जैसे हमें ब्रेन स्ट्रोक जब हमें होता है तो उससे न्यूरॉन्स पे कितना इफेक्ट होता है उस चीज़ों से? व्हाट इज या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्चुअली. सो स्ट्रोक जब होता है ब्रेन में, न्यूरॉन्स इन सिंपल टर्म्स इज एन वेयरिंग कनेक्शंस. हमारा जो राइट ब्रेन से हमारा सारा बॉडी में जो कनेक्शंस है, इट्स अ सम शॉर्ट ऑफ लाइक अ वेयरिंग इन योर हाउस एक्चुअली. राइट वेरी राइट कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी गॉड हैज मेड वेरी वंडरफुल थिंग्स वेयर एवरी थिंग्स विच इज देयर इन द हेड. सो हैड राइट इज द मेन हेड ऑफिस. राइट सो फ्रॉम देयर द इंफॉर्मेशन गोज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एंड दिस इज कैरीड बाई न्यूरोन्स एंड नर्व्स. ओके, राइट सो दे हैव ए कनेक्शन विथ वन अनदर, एंड देन दिस इंफॉर्मेशन गोज इन अ वेरी नाइस एंड वंडरफुल वे. सो वैन देर इज अ स्ट्रोक, एज आई सेड, सम पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रेन इज डैमेज, मतलब ब्रेन के कोई एरिया डैमेज हुआ है ब्लड सप्लाई मिलने के ना मिलने की वजह से. सो ब्रेन और हार्ट के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो साथ ही साथ डैमेज होना शुरू होता है. राइट क्योंकि उनको एक कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, कंटिन्यूस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कंटिन्यूस ग्लूकोज की ज़रूरत है. जब नहीं मिलता है तो उनका डैमेज होना शुरू होता है. वहाँ पर कोई अलग से स्टोर वाला चीज़ नहीं है कि वो स्टोर करके रख लें और बाद में जैसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसको चल सकते, ऐसा नहीं है. सो ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत है. तो जब डैमेज होता है, ये हमें पता चला फ्रॉम द लिटरेचर ऑल्सो, इट हैज़ देर हैज़ बीन स्टडी ऑल्सो, उसके बारे में हमें काफ़ी जांच हुआ है, उसके बारे में पता चला है कि एवरी मिनट्स देर आर मिलियंस ऑफ, एक्चुअली 1.9 मिलियंस ऑफ न्यूरोन गेट डैमेज. मतलब इतना न्यूरोन ब्रेन में डैमेज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई रीस्टोर नहीं कर पाए तो, मतलब टोटली बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमें डैमेज बढ़ जाता है एवरी मिनट्स के बाद बाद. जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि किसी को इस तरह का डैमेज होता है तो वो दोबारा रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ. सो जो डाटा ये बोलते हैं कि
एक बार डैमेज हो गया तो दैट इज़ ए परमानेंट डैमेज, बट देयर आर एविडेंस जिसमें कि जो आर अंडर स्ट्रेस है, जिसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई दोबारा पहुंचा देंगे या ग्लूकोज पहुंचा देंगे, क्लॉट को डिजोल्व कर दे, तो उसको रिवाइवल जो है नॉर्मल आ सकता है, नंबर वन. नंबर टू, देयर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी इज दैट जो कनेक्शन डैमेज हुआ है दोबारा उसी कनेक्शन बनने की चांसेस है, बट इट्स नॉट डेफिनेट. राइट. एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जैसे ब्रेन इज सच ए वंडरफुल थिंग, जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर एरिया डैमेज हुआ है उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन नियर बाई जो एरिया डैमेज नहीं हुआ है वो लेना शुरू करते हैं ओवर द टाइम. राइट राइट. जैसे ये एरिया डैमेज हुआ, इसका जो फंक्शन था इन्होंने अभी नहीं कर पा रहे, तो सराउंडिंग जो नॉर्मल एरिया है वो उसका काम करना शुरू करेंगे ओवर द टाइम. राइट. सो दैट्स हाउ वी नीड टू डू एन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम. किसी को स्ट्रोक होता है तो हम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू. तो बेसिकली मैं कई जगह पर ऐसा देख रहा हूँ कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो इस समय पर अपनी बीटेक कर रहे हैं या फिर किसी भी किसी प्रोफेशन में है जो इस समय पढ़ रहे हैं इस समय पर, और वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बिना डॉक्टर से बोले अपनी तरफ से ही कुछ दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ड्रग्स की वजह से, तो इन वजह से भी बहुत उनकी लाइफ बहुत इफेक्ट करती है इस तरह से भी. सो राइट हिमांशु. सो जैसे तुमने बताया कोई अनप्रिस्क्राइब मतलब अनकंट्रोल्ड मेडिसिंस लेना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि उससे हम लोग काफ़ी देखते हैं कि यंग बंदे में जो स्ट्रेस के वजह से कुछ मेडिसिंस ओवर द काउंटर ले लेते हैं, बाद में वो जो है एक प्रकार का एडिक्शन बन जाता है, और उसके वजह से भी आपको स्ट्रोक हो सकता है. राइट. या ड्रग एडिक्शंस इज एन वेल डॉक्यूमेंटेड थिंग्स के दिस कैन प्रीडिस्पोज टू स्ट्रोक, लकवा उसके वजह से हो सकता है. एंड मेरा राय ये है कि किसी को भी कोई तरह का प्रॉब्लम हो, आइदर इन द सेंस लाइक कि स्ट्रेस है, या क्योंकि दैट कैन हैपन इन करेंट सिनारियो. इतना हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ में जीते हैं, मॉर्निंग से उठ के हम भागते रहते हैं कि ये करना है वो करना है, तो आप इस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लीजिए और उसके हिसाब से प्रेस्क्राइब के हिसाब से मेडिसिन लीजिए. राइट. और ट्राई टू अवॉइड यू नो this sort of addictions, and especially for if you want to have your six packs, right. go in proper way, not like ki ek din mein ye ho jata hai. Aur diet ka supplement jo hai that need to be checked actually, rather than ki over the counter kuch bhi steroid le le ya kuch alag se cheez le le, wo acha nahi hai sharir ke liye. Right. तो सर हमारे पास अभी हमने सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक की बात की थी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और भी दवाइयाँ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे मैंने सुना है मिर्गी हम लोग बोलते हैं मिर्गी, या फिर एपिलेप्सी राइट, और उसके राइट और माइग्रेन. तो इन सब में डिफरेंस क्या रहता है? लेकिन काफ़ी लोग मैंने सुना है कि एक पर्सन जो है ब्रेन स्ट्रोक और कोई बोलता है कि इसको मिर्गी हुई है, तो वो दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन लोगों को सेम समझते हैं. राइट. बात सही है. तो इसके बारे में हमें ना काफ़ी सोसाइटी में एक प्रकार का मिसकंसेप्शन है, मिथ्स है, एक प्रकार का अंधविश्वास है कुछ चीज़ों में. जैसे आप मिर्गी के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑल्दो आज का टॉपिक शायद मिर्गी के लिए नहीं है हम लोग. राइट. सो जो मिर्गी या किसी को झटका आते हैं, दौरे पड़ते हैं, और किसी को लकवा आना, जो ब्रेन अटैक, दो अलग चीज़ है. राइट. किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है या ब्रेन अटैक होता है उसके वजह से मिर्गी हो सकता है, उसके वजह से होता है, बट दोनों अलग चीज़ है. मिर्गी जो होता है, मिर्गी की बीमारी या दौरे पर ना, उसमें शरीर में कहीं पे झटका आते हैं, और उसके वजह से ये जो झटका आता है ब्रेन में, कोई एक प्रकार का बोलूँगा कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इस तरह का झटका आता है, और कुछ सेकेंड्स के लिए होता है, और उसके बाद वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है, और ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी उसका रिकवरी भी होता है. मिर्गी का जो बीमारी है, हमारे सोसाइटीज़ में ये मानते हैं कि ये कोई एक भूत प्रेत का बीमारी, तो मैं ये बोलना चाह रहा कि आपके माध्यम से मिर्गी का जो बीमारी है हम ट्रीट कर सकते हैं, ये कोई भूत प्रेत का बीमारी नहीं है, ना कोई मतलब छूने वाला बीमारी है. तो ये हमें उसको लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है. ट्रीटमेंट से काफ़ी बढ़िया, काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, इवन क्योर भी हो सकता है. So the reason why I'm asking is this because when I had brain stroke, तो मेरे ज़्यादातर जो friends वगैरह है, they are from IIT, Bombay से भी है काफ़ी, IC Bangalore से भी है मेरे friends. तो what they said कि brain stroke हुआ तो उनको मिर्गी को सोच रहे थे. लोगों को उनको एक्चुअली में लोगों को पता नहीं चलता कि what is the difference between all of these things. तो लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, माइग्रेन क्या होता है, आपका मिर्गी क्या होती है, जो जितनी चीज़ें उनकी डिफरेंस जो है वो बहुत जरूरी है. बेसिक डिफरेंस बताऊंगा तो जिस समय बात कर रहे थे,
ब्रेन स्ट्रोक हम एक्चुअली जस्ट स्ट्रोक बोल के नाम यूज करते हैं, आइदर स्ट्रोक और यू कैन से ब्रेन अटैक। राइट, ब्रेन में क्लॉट या ब्रेन में नसें फटने की वजह से होता है और ब्रेन का पर्टिकुलर एरिया उसके वजह से ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। राइट राइट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। जो आपको मिर्गी का जो बीमारी है, ब्रेन में एक प्रकार का जो कनेक्शन है उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक पकड़ लीजिए स्पार्क हो गया या अबनॉर्मल शॉर्ट सर्किट हो गया है और उसी की वजह से झटका आता है। राइट, वो अलग चीज़ है। माइग्रेन ब्रेन में हमारा कहीं पे सरदर्द जो होता है उसी को एक प्रकार का सरदर्द जो है माइग्रेन है।